नमस्कार दोस्तों, मैं सुषमा कुशवाहा और मेरे चैनल सुषमा अपनी रसोई एवं लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एकदम यूनिक पारंपरिक कच्चे केले की मछली रेसिपी लेकर आई हूँ, जो मैं अपनी माँ से सीखी हूँ। कच्चे केले से बनी एक जायकेदार डिश है, जो वेज होने के बाद भी आपको खाने में बिल्कुल मछली जैसा लगता है। इसकी ग्रेवी का स्वाद बिल्कुल मछली के ग्रेवी जैसा होता है और यह चावल या रोटी के साथ खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए कच्चे केले की मछली बनाना शुरू करते हैं। केले की मछली बनाने के लिए मैं 500 ग्राम बिल्कुल फ्रेश हरा कच्चा केला ली हूँ। केले को आगे और पीछे से थोड़ा थोड़ा काट दे रही हूँ। इन केलों की मछली बनाने के लिए मैं एक कढ़ाई में पानी और केला डालकर ढक्कन से ढक दे रही हूँ। इसे मैं लगभग 10 मिनट उबाल ले रही हूँ। दस मिनट उबलने के बाद देखिए केले का कलर चेंज हो गया है और इसका मतलब केला अच्छे से पक गया है। अब इन केलों को निकालकर रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख दे रही हूँ। चलिए देखते हैं हमें केले की बिल्कुल मछली जैसी ग्रेवी बनाने के लिए क्या क्या मसाले लगेंगे। तो सबसे पहले मैं एक मीडियम साइज का प्याज बारीक काट करके रख ली हूँ। एक मीडियम साइज टमाटर का प्यूरी बना ली हूँ और साथ में एक मीडियम साइज के प्याज को भी पीस करके पेस्ट बना ली हूँ। साथ में और भी मसालों में एक चम्मच काली सरसों के दाने, एक चम्मच जीरा, एक चम्मच काली मिर्च और एक चम्मच पीला सरसों के दाने ले ली हूँ। गीले मसालों में लहसुन की 15 से 20 कलियाँ, दो हरी मिर्च और एक इंच कटा हुआ अदरक का टुकड़ा ले ली हूँ। सभी सूखे मसालों को मिक्सर जार में डाल दे रही हूँ और फिर लहसुन की कलियाँ एवं हरी मिर्च को तोड़कर डाल दे रही हूँ। अंत में अदरक को बारीक बारीक टुकड़ों में काट कर डाल दे रही हूँ। अब इसमें एक चम्मच पानी डालकर पीस ले रही हूँ। अब इस मसाले को एक कटोरी में निकाल करके रख ले रही हूँ। केले अब तक ठंडे हो गए हैं तो इन केलों से छिलके निकाल दे रही हूँ। केला अच्छे से पक गया है इसलिए छिलका अच्छे से निकल जा रहा है। सभी केले छिल गए हैं तो अब मैं इन केलों को बीच से काट करके फिर पतले पतले स्लाइस में काट ले रही हूँ। उसके बाद एक कटोरी में दो चम्मच बेसन, एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच नमक और एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। अब इन मसालों में कटे हुए केलों को डाल करके मिक्स कर दे रही हूँ। अंत में मैं एक चम्मच पानी डालकर मिक्स कर दे रही हूँ, जिससे केले पर एक कोटिंग हो जाएगी। केलों की कोटिंग चारों तरफ से अच्छे से हो गई है तो मैं इन केलों को एक नॉनस्टिक तवे पर सरसों का तेल डालकर तलने के लिए फैलाकर रख दे रही हूँ। मछली जैसे सरसों के तेल में ही अच्छा बनता है, उसी प्रकार केले की मछली भी सरसों के तेल में ही बना रही हूँ। लगभग 2 मिनट एक साइड तलने के बाद
पलट कर दूसरे साइड से भी तल दे रही हूँ। जब केला सुनहरे कलर का हो जाएगा तो एक बर्तन में निकाल के रख दे रही हूँ। मछली फ्राई के जैसा केला फ्राई हो गया है। इस तरीके से मछली फ्राई के जैसा केला फ्राई भी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए बिल्कुल मछली जैसा दिख रहा है ना, इसका स्वाद भी बिल्कुल मछली जैसा ही है। अब केले के मछली का ग्रेवी बनाने के लिए एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालकर गरम कर ले रही हूँ। तेल गरम हो जाने के बाद उसमें 1 चम्मच सरसों के दाने डाल दे रही हूँ। उसके बाद कटे हुए प्याज को डालकर सुनहरा होने तक भून ले रही हूँ। प्याज भूनकर सुनहरा हो गया है तो अब इसमें प्याज का पेस्ट डालकर चला दे रही हूँ। अब जो मैं सूखे और गीले मसाले पीस करके रखी थी उस मसालों को भी डाल करके मिक्स कर ले रही हूँ। उसके बाद इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल करके भून ले रही हूँ। मसाला अच्छे से भुन गया है तो इसमें मैं टमाटर की प्यूरी डाल करके मिक्स कर दे रही हूँ। मसाला अच्छे से भुन गया है और मसाला किनारे किनारे तेल छोड़ने लगा है। मेरी माँ बोलती थी अगर मसाले भुन जाने के बाद किनारों पर तेल छोड़ने लगे इसका मतलब मसाले एकदम अच्छे से पक गया है और इसकी ग्रेवी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो देखिए सचमुच केले की मछली बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाली है। अब इसमें 1 कप पानी और 1 चम्मच नमक डाल दे रही हूँ। ग्रेवी उबलने लगा है तो ग्रेवी गाढ़ा हो जाने के बाद मैं इसमें केले के तले हुए टुकड़ों को भी डाल दे रही हूँ। इस ग्रेवी को ढक्कन से ढककर 5 मिनट उबलने के लिए छोड़ दे रही हूँ। लगभग 5 मिनट उबल जाने के बाद इसमें मैं 1 चम्मच गरम मसाला और हरी कटी हुई धनिया पत्ती डाल दे रही हूँ। देखिए कच्चे केले के मछली बनकर तैयार हो गई है। इसे आप चावल, रोटी, पूरी, पराठा किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।